ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रक्तदान में भारत के कीर्तिमान पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पूर्व कंसल्टेंट डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल पूरे भारतवर्ष में रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। 15 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में पहले दिन ही यानी कल 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। डॉक्टर वार्ष्णेय, जो इस तरह की पहल है और जो देशवासियों का उत्साह देखने को मिला, और हम सब जानते हैं कि रक्तदान महादान है, कैसे देखते हैं इस प्रयास को आप? हमारे देश में एक अनुमान के हिसाब से लगभग हर साल करीब 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत होती है और केवल 1 करोड़ 10 लाख यूनिट ही ब्लड इकट्ठा हो पाता है और 40 लाख यूनिट की कमी पड़ जाती है। इसकी वजह से कई जाने जो है वो चली जाती हैं और ये जाने बचाई जा सकती हैं अगर हमारे पास रक्त का पर्याप्त भंडार हो। उस सिलसिले में जो है कल माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 दिनों का ये कैंप है और ये 1 अक्टूबर नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे तक चलेगा, तो उस हिसाब से ये लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए शुरू हुआ है और पहले दिन ही सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा उत्साहजनक बात है कि हमारे लोग इतने जागरूक हों और इस शुभ कार्य में ज्यादा से ज्यादा मदद करें। देश भर में 6,800 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कल पहले दिन पंजीकरण कराया था। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपने जो आंकड़ों का गुणा गणित समझाया कि एक वर्ष में इतने यूनिट ब्लड की जरूरत होती है और कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, इसके पीछे का बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? लोगों को ब्लड देने में बड़ा डर लगता है और ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि जब भी ब्लड देते हैं लोग, जब उनके कोई नियर या डियर बहुत ही परिचित व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उनको ब्लड की जरूरत होती है, तो जो ब्लड देने वाले होते हैं वो सगे संबंधी मित्र रिश्तेदार वही होते हैं। जो एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है जिसमें ये होता है कि हम लगातार नियमित रूप से ब्लड दें जिससे वो किसी भी जरूरतमंद के काम आए, ऐसे डोनर बहुत कम हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और लोगों में उसमें कई तरीके की भ्रांतियां होती हैं कि ब्लड देने से हमारे शरीर में बहुत कमजोरी आ जाएगी या हम बीमार पड़ जाएंगे, ये भ्रांतियां दूर करना बहुत जरूरी है। और फिर से ये कहूंगा कि ये एक गलत धारणा है लोगों में। कोई भी जो 18 साल से 65 साल के बीच में है और स्वस्थ है और जिसका हीमोग्लोबिन ठीक है और उसको कोई बीमारियां नहीं है, वो आसानी से ब्लड दे सकता है और इनफैक्ट हर 3 महीने में एक बार ब्लड दे सकता है। जो वर्ल्ड में जो ब्लड डोनेशन का रिकॉर्ड है, एक व्यक्ति ने 231 बार ब्लड दिया है और वो बिल्कुल स्वस्थ है, और हमारे देश में भी एक व्यक्ति ने 174 बार ब्लड दिया है और वो बिल्कुल स्वस्थ है, 58 साल के व्यक्ति हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ लोग कितने तरीके से प्रेरित रहते हैं और उनको कभी भी कोई बीमारी नहीं। और यहाँ तक देखा गया है कि जो लोग नियमित रूप से ब्लड देते हैं उनको कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे उनका आयरन लेवल ब्लड में अगर ज्यादा है तो वो कम हो जाता है। ये भी देखा गया है कुछ लोगों में कि उनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कम हो जाता है, हार्ट की बीमारियां भी कम होती हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत सारे श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके जहन में भी ये विचार उभर रहा होगा कि वो भी रक्तदान कर सकते हैं, तो कौन व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है? जब हम रक्तदान करते हैं तो हमारा जो है रक्त कुछ बीमारियों से फ्री होना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से दूसरे को बीमारियां ना हो जाएं। तो रक्त जिसका भी जानते हैं उससे पहले हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV और मलेरिया का उसमें टेस्ट होता है ब्लड में, कि अगर इन बीमारियों से ग्रसित हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते, या जिन लोगों में खुद ही हीमोग्लोबिन की कमी है उस व्यक्ति का भी जो रक्तदान दे रहा है उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, 12 के करीब होना चाहिए। अगर 12 ग्राम परसेंट से कम है हीमोग्लोबिन तो उससे भी हम रक्त नहीं देते। बाकी अगर वो एज का भी होता है कि अभी तक जो है जो 18 साल से नीचे वाले व्यक्तियों का भी रक्त नहीं लिया जाता, और जो एडल्ट हो जाते 65 साल से ज्यादातर पर उम्र वाले हैं उनका भी रक्त नहीं लिया जाता, इस बीच के जो भी व्यक्ति हैं वो अपना रक्तदान दे सकते हैं। उससे पहले उनकी ये जो आवश्यक जांच होती है, पल्स वगैरह देखी जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह देखा जाता है, जिस समय वो रक्त देने जा रहे हैं उस समय कोई बीमारी नहीं, उस समय उन्हें कोई बुखार, फ्लू या कोई और एक्टिव बीमारी ना हो तो वो रक्त दे सकते हैं, तो इस पर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। और जब एक यूनिट कोई आदमी ब्लड देता है तो लगभग उसका 350 ml ब्लड लिया जाता है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि रक्त में जैसे जो मेन कंपोनेंट होता है उसका प्लाज्मा होता है जो लिक्विड पार्ट होता है, फिर रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारा हीमोग्लोबिन देते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो प्लाज्मा है वो तो देखिए 2 से 3 दिन में पूरा हो जाता है जो भी व्यक्ति रक्त देता है,
जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, वो लगभग 6 हफ्ते में पूरी हो जाती है और प्लेटलेट तो कुछ घंटे में ही पूरी हो जाती है। जो भी स्वस्थ व्यक्ति है वो अगर देना चाहे तो हर 3 महीने के बाद वो रक्तदान कर सकता है। और यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि जो प्लाज्मा है उसको हम फ्रीज कर सकते हैं और फ्रोजन प्लाज्मा 1 साल तक उपयोग किया जा सकता है, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी वो लगभग 5 से 6 हफ्ते तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो प्लेटलेट्स होती हैं वो 5 डेज तक ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल, जो लोग थोड़े दुबले पतले होते हैं या जिनके बारे में ये कहा जाता है कि थोड़े से कमजोर हैं देखने के नजरिए से, उनके माँ बाप कहते हैं कि वो लोग ब्लड ना दें, मेरा बेटा या मेरी बेटी तो वैसे ही बहुत कमजोर है, वो कहाँ से ब्लड दे पाएंगे। हम लोग भी कहते हैं कि जो एक तो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए जो हीमोग्लोबिन के, दूसरे वजन भी लगभग 50 किलो से अगर कम है तो उसको भी हम लोग उसमें शामिल नहीं करते, लगभग 50 किलो के करीब वजन भी होना चाहिए। जो व्यक्ति देने वाला है वो स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई वो खुद भी बीमार हो जाए, तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो है अपना रक्तदान कर सकते हैं और उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं होती। केवल जहाँ पे वो सुई हम जिससे लेते हैं रक्त, वहाँ पे हो सकता है कई बार थोड़ी सी सूजन आ जाए, और कुछ लोगों को चूंकि एंजाइटी होती है तो उन लोगों को ट्रांजेंटली गिडीनेस के चक्कर आ जाते हैं। लेकिन जब भी रक्तदान होता है तो 15 मिनट तक उसके बाद हम लोग वॉच करते हैं, उनको देखते हैं, और जब वो बिल्कुल ठीक होते हैं तो वो जा सकते हैं। और रक्तदान जब भी वो देना चाहें तो उससे पहले हल्का नाश्ता वगैरह करके आए, जिससे कि उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। और जो इस समय रक्तदान देना चाहते हैं वो आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या ई रक्त कोष पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अभी जो आपने कहा कि ये रक्तकोष अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें 5,857 कैंप्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गए हैं और 5,58,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है। और ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से चलेगा और अगले 15 दिन तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित होंगे, लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अंत में बहुत संक्षेप में डॉक्टर वार्ष्णेय ये समझना चाहेंगे कि लोगों के जहन में ऐसी भी मानसिकता है, जो दूर दराज के गांव में रहते हैं और वहां कोई ब्लड बैंक है, जब उन्हें खून की आवश्यकता होती है तो उन्हें लगता है कि नहीं, शहर के किसी बड़े अस्पताल के ब्लड बैंक से ही ब्लड लेना सही रहेगा, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में 3900 ब्लड बैंक है और ये सब जो है रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंधित रहते हैं, उससे संचालित होते हैं और सभी की मॉनिटरिंग की जाती है कि उनमें जो है वो अप्रूव्ड हो और उनमें वो सारी सुविधाएं हो रक्त लेने की भी और उसको सही तरीके से प्रिजर्व करने की भी, तो इनकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। हाँ, अगर किसी एरिया में देखिए कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो अगर इस तरीके का है कि वो रजिस्टर्ड रक्त बैंक नहीं है और किसी की नॉलेज में आता है तो वो शिकायत कर सकता है। बाकी जितने भी ब्लड बैंक हैं देश में, मैंने बताया 3900 हैं और इस समय अभी 3600 ब्लड बैंक ऑलरेडी ई रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, बाकियों की भी कोशिश की जा रही है। तो मन में कोई भी देखिए भ्रांति है, पीछे जैसे वैक्सीनेशन भी चल रहा था तो लोगों के मन में कुछ चिंताएं हो सकती हैं, कुछ सवाल हो सकते हैं, उसका उचित जवाब हमेशा हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी वहां रहती है, डिस्पेंसरीज होती हैं, अस्पताल होते हैं, वहां पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं, उनसे अपनी जिज्ञासा पूछ सकते हैं, उससे अपनी जो भी क्लेरिफिकेशन है वो ले सकते हैं और किसी तरीके से इसमें डरने की बात नहीं है। सभी लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि जो भी स्वस्थ लोग हैं जो 18 से 65 साल के हैं वो आगे आए। डॉक्टर लोग नेचुरली अगर उनको लगता है कि ये किसी वजह से उपयुक्त नहीं है तो उनको खुद ही मना कर देंगे कि आप नहीं दे सकते, लेकिन मैक्सिमम लोग इस एज ग्रुप में अपना ब्लड दे सकते हैं। इस महादान को कर आप अगर किसी का जीवन बचाते हैं तो ये बहुत ही खुशी आपको भी मिलेगी और काफी प्रेशियस लाइफ हमारे देश की बचाई जा सके। डॉक्टर वार्ष्णेय, आकाशवाणी के इस विशेष चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रक्तदान में भारत के कीर्तिमान पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पूर्व कंसल्टेंट डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।